4 में N5 की तरह जिस तरह से चौकाई के यानी कि लिसनिंग के क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज होता है, और एक बार हमें अगर ऑडियो की प्रैक्टिस हो तो ऑडियो की प्रैक्टिस को हमें अब JLPT के हिसाब से किस तरह से करना है, ये वीडियो इसको पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करेगा। देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ऑडियो को लोग समझते हैं कि चौकाई, चौकाई का मतलब है मुझे लिसनिंग सुननी है, कोई जापनीज़ कुछ बोल रहा है तो मुझे उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं होता, JLPT के फॉर्मेट के हिसाब से 4 ऑप्शंस या फिर 3 ऑप्शंस जिसमें हमें रिप्लाई क्वेश्चंस का भी सामना करना पड़ता है, उनकी उसी तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये वीडियो इसी चीज़ को कवर करने के लिए मैंने बनाया है, मेरी पूरी कोशिश है। N4 अभी जैसे N5 का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, उसी तरह से मैं N4 का भी एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। वेलकम टू निहोंगोमैक्स, मेरा नाम है रवि, चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम अपने सेंटर में भी निहोंगोमैक्स में भी हम जब भी ट्रेनिंग्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, जब भी हम ट्रेनिंग देते हैं N4 की, N5 की, N3, पहले दिन से हम ये अश्योर करना चाहते हैं कि आपको फॉर्मेट के हिसाब से चौकाई यानी कि लिसनिंग का सब कुछ पता चल जाए। उसके बाद ही अगर आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसी एंगल से देख सकते हैं कि वो जो कहना चाहता है, जैसे उसने टाइमिंग की बात करी है या डे की बात करी है, तो ज़रूर क्वेश्चन डे पर ही होगा या फिर टाइमिंग पर होगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में ये पूछा गया होगा कि इसके बाद क्या होगा या पहले क्या होगा। यूजुअली रिस्पांस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर जैसे अरिगातो गोज़ाइमास का रिस्पांस क्या होता है, दो इताशी माशते, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, लेकिन इस तरह से आपको रिस्पांस की प्रैक्टिस और टाइमिंग, डेट, नंबर्स वगैरह की प्रैक्टिस फॉर्मेट के हिसाब से होनी चाहिए। यही इस वीडियो का टारगेट है, यही हमारी ट्रेनिंग का टारगेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको फिर से N4 की एक चौकाई यानी कि लिसनिंग सुननी है, उसको अपने आप सॉल्व करना है। कोशिश करिए, वीडियो पॉज करके भी आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा हिंदी में अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करने की कि ये गलत ऑप्शन क्यों है और ये सही ऑप्शन क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। 男の人と女の人が話しています。 明日の天気はどうなりますか? 明日の天気はどうですか? 天気予報では午前中はいい天気だそうですよ。午後は? 午後は雨だけど夕方には止むと言っていましたよ。 明日の天気はどうなりますか? 男の人と女の人が話しています。 男の人と女の人、 ये जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि ये मेल और फीमेल की ज़्यादातर ऐसा ही फॉर्मेट आएगा आपको, तो इसको याद रखिए, मेल और फीमेल बात कर रहे हैं। 明日の天気はどうなりますか? हाँ, तो ये मेन चीज़ है क्योंकि ये क्वेश्चन है और इसको हमेशा पूरे चौकाई चलते हुए हमेशा बार बार रिकॉल करते रहिए। अशितानो तेंकीवा दो नारीमास्का, कल का जो क्लाइमेट है, मौसम है, वो कैसा रहेगा? और कल का पूछा गया है, हो सकता है आगे आज का या फिर कुछ और चीज़ हो, तो ध्यान रखिएगा कल का क्लाइमेट पूछा है। आशितानो तेंकी वा दो देश का, क्लियर, वो काम की बात से शुरू कर रहा है। आशितानो तेंकी वा दो देश का, कल का जो तेंकी है, जो मौसम है, वो कैसा है? तेंकी योहो देवा गोजेंचू वा ई तेंकी दा सो देसु यो। तेंकी योहो, तो ये कल का कैसे पता चला? तेंकी योहो वेदर फोरकास्ट होता है, यानी कि जो टीवी पर मौसम की जानकारी आती है उसको कहते हैं तेंकी योहो। उसके बाद वो कहती है आशितावा गोजेंचू, गोजेंचू, गोजेन हमने सीखा है AM यानी कि थोड़ा सुबह का टाइम, चू लग जाता है, तो ये आप याद रखिए नाका की कांजी होती है और इसका मतलब होता है कि इस दौरान, जैसे आगे भी आप देखेंगे N3 में भी है ये कि काइगी चू, देमवा चू, यानी कि मीटिंग के दौरान, फ़ोन के दौरान, यानी कि अभी वो फ़ोन कर रहा है, तो गोजेन चू वा ई तेंकी द सो दिस यो। ई तेंकी मतलब गुड वेदर, द सो दिस, ये सो पैटर्न है, ये हमने बाद में सीखा है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैंने वहाँ पर भी एक ही चीज़ बताई है कि इसका मतलब होता है इट सीम्स, ऐसा लगता है, यानी कि हमने कहीं से सुना है, तो ऑब्वियसली उसने वेदर फोरकास्ट से सुना है। और एक और इसमें चीज़ सीखने वाली है, अगर क्लियर वेदर बोला जाए या ई तेंकी बोला जाए, तो ई तेंकी का मतलब होता है एकदम क्लियर वेदर, यानी कि धूप निकलना। क्यों? क्योंकि जापान में धूप निकलना काफ़ी अच्छा मौसम माना जाता है, क्योंकि जापान ठंडा देश है और बारिश भी काफ़ी होती है, तो सुबह के टाइम पर यानी कि हमें समझ आ गया कि सन यानी कि धूप निकली रहेगी। तो इससे हमें समझ आया कि हमारा आंसर या तो 3 में से होगा या फिर 4 में से होगा।
मैंने जैसे कि आपको बताया, जैसे जैसे चौका चलती है एक एक ऑप्शन पर नज़र रखिएगा। ऐसा नहीं करना है कि पूरी चौकाई सुनने के बाद फिर मैं ढूंढना शुरू करूं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। गोगोवा, गोगोवा आमे दा केदो, तो वो पूछता है गोगोवा व्हाट अबाउट पीएम, यानी कि दोपहर के बाद का क्या है। तो वो कहते हैं गोगोवा आमे, आमे दा केदो, बारिश आने वाली है, बारिश आएगी। तो थ्री और फोर दोनों में बारिश है, तो इससे हमें कुछ नहीं पता चला। उसके बाद क्या होगा उससे हमें पता चलेगा, तो देखते हैं। युगाता निवा यामु तो इत्ते इमाशिता यो, युगाता निवा यामु, यामिमास, यामिमास मतलब रुक जाएगी। युगाता का मतलब होता है शाम का समय, ये हमने N5 में सीखा है। तो युगाता निवा यामु, शाम के समय रुक जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला है। तो इससे ही हमें समझ आ गया कि हमारा आंसर है फोर। आश्ता नो टेंकी वा दो नारिमास का, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें बाद में दोबारा क्वेश्चन रिपीट होता है ताकि आपको हेल्प मिले, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें नहीं होता, उनमें पहले से ही थोड़ा सा टाइम दिया जाता है आपको, 5 सेकंड 6 सेकंड पॉज आएगा बीच में जिसमें आप पढ़ सकते हैं ऑप्शन को। तो ये दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, लेकिन बात एक ही है, दोनों ही चीज़ें जो है वो काफ़ी लिसनिंग की प्रैक्टिस मांगते हैं। तो लिसनिंग की प्रैक्टिस की एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आपको सेंटेंसेस को रीड करना है ज़्यादा से ज़्यादा, बोल बोल के अपनी आवाज़ को खुद सुनना है। और जब चौकाई की प्रैक्टिस करें तो इसको एक बार नहीं, सिर्फ मतलब एक बार करके छोड़ना नहीं, आपको 3 बार 4 बार 5 बार इसको सुनना है। इसकी एक्सप्लेनेशन एक या दो बार ही सुने, लेकिन जब पूरी समझ आए तो उसके बाद कम से कम 4 बार इस क्वेश्चन को रिपीट करें, पॉज कर करके, और सोचें इसका क्या मीनिंग था, अपने आप निकालने की कोशिश करें। शुकुदाई नो रिपोर्ट वसरे मश्ता, सेंसे नी नान तो इमास का? 1. すみません、レポートを明日出しましょうか。2. すみません、レポートを明日出すことにしました。3. すみません、レポートを明日出してもいいですか？宿題のレポートを忘れました。宿題のレポート、やにきじょ、ホームワークきじょ、レポートティ、忘れました。お、ぶうりゃ。तो ये रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं, आपको जैसे फोटोग्राफ में दिख रहा है एक सिचुएशन है और रिस्पॉन्स आपको देना है। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मैंने चौकाई में N5 में भी समझाया था। तो आपको एक रिस्पॉन्स देखना है कि एक जो है फोटोग्राफ में देखी तो एक सेंसे लग रही हैं और एक जो है स्टूडेंट है, तो क्या वो कहेगा अगर रिपोर्ट भूल गए तो? सेंसे नी नान तो इमास का, तो वो सेंसे से क्या कहेगा, क्या चीज़ बोलेगा। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि पोलाइट फॉर्म होगी क्योंकि सेंसे के सामने वो बोल रहा है। इची सुमिमासेन रिपोर्टो आशिता दाशिमाशो का, ये हो गया रॉन्ग। क्यों? क्योंकि रिपोर्टो आशिता दाशिमाशो का, पहले उसने सुमिमासेन बोला वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब माशो का यूज़ कर रहा है फॉर्म, तो ये यूज़ होती है ऐसा करें क्या, तो किसी को कोई जैसे ऑफर करने के लिए या कोई चीज़ एडवाइस करने के लिए, तो सेंसे से ये इस तरह से नहीं बोलेगा। नी सुमिमासेन रिपोर्टो आशिता दासु कोतो नी शिमाशिता, ये भी गलत हो गया क्योंकि सुमिमासेन तक ठीक है, रिपोर्टो आशिता दासु, रिपोर्ट कल सबमिट करना, दासु कोतो नी शिमाशिता, कोतो नी शिमास, ये हमने पैटर्न आगे जाके सीखा है, इसका मतलब होता है ये चीज़ मैंने डिसाइड कर ली है। एक होता है कोतो नी नारिमास, इसका मतलब होता है ऐसा हो गया है, ऐसा कहीं से रूल बन गया है या कुछ हो गया है, और एक होता है कोतो नी शिमास, ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया है। तो इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो गई कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कल दूंगा रिपोर्ट। सम सुमिमासेन रिपोर्टो आशिता दाशिते मो ई देसु का, सुमिमासेन रिपोर्टो आशिता दाशिते मो ई देसु का, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तरह से परमिशन मांग रहा है, ये तेमो ई देसु का पैटर्न हमने N5 में भी किया है, तो यही हमारा सही आंसर हो गया। तो देखिए कुछ पैटर्न्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ इसमें जो N5 में किया गया है तो वो है, और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चौकाई ऐसा नहीं हम कर सकते कि बाद में करें, पहले ही से ही हमें थोड़ा थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप 10 या 15 क्लासेस का पहले पढ़ लें, रीड कर लें, थोड़ी सी आपको नॉलेज बढ़ जाए, थोड़ी सी वोकेबलरी पता चल जाए, थोड़ी सी ग्रामर पैटर्न्स पता चल जाए, उसके बाद आप करेंगे इसको वापस आके तो भी सही है, यहीं पर भी सीख सकते हैं। डिपेंड करता है किसी स्टूडेंट को किस तरह से समझ आता है, किसी को किसी तरह से समझ आता है, उसके लिए मैंने दोनों ही तरीके यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ऑल द बेस्ट।
सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ आया होगा, एक चौकाई को किस तरह से किस तरह से सॉल्व करना होता है, किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना होता है, ये आपको समझ आया होगा। इसी तरह से आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको दोकाई के बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा। कीप फॉलोइंग आवर चैनल निहोंगो मैक्स। थैंक यू सो मच।